दोस्तों देशों की वीडियो की सीरीज में आज हम बात करेंगे तुर्की के मजेदार तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तुर्की यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अंकारा है। ये दुनिया का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो कि धर्म निरपेक्ष है। अगर हम बात करें भारत की तो आप देख सकते हैं कि यह टर्की से कितना दूर है। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि भारत और टर्की के बीच की हवाई यानी एयर डिस्टेंस दूरी कुल 2881 मील है जो कि 4636 किलोमीटर के बराबर होती है। दोस्तों भारत से टर्की तक फ्लाइट से ट्रैवल करने का रूट कुछ इस तरह से होगा। और अगर आप हवाई जहाज़ से भारत से टर्की जाते हैं तो इस यात्रा में आपको 3.5 घंटे लगते हैं और नई दिल्ली से टर्की जाने का हवाई जहाज का टिकट इकोनॉमी क्लास में लगभग 40,000 रुपये का होता है। आप इन्हें गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। गाजी मुस्तफ़ा कमल को आधुनिक तुर्की का जनक माना जाता है, जिनका जन्म 1881 में ग्रीस में हुआ था। हालांकि उनके माता पिता के वंशज अनातोलिया के तुर्क थे। गाजी मुस्तफ़ा ने शराब पर प्रतिबंध लगाया था और इस्लामिक कैलेंडर के स्थान पर ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया, जिसमें शुक्रवार के स्थान पर रविवार को अवकाश शुरू किया गया। तुर्की को यूरोप व एशिया के बीच का पुल कहा जाता है क्योंकि इसके कुछ भाग यूरोप में तथा अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है। इसके एशियाई हिस्से को अनातोलिया और यूरोपीय हिस्से को थ्रेस कहते हैं। इजियन सागर के पतले जलखंड के बीच में आ जाने से इस पुल के दो भाग हो जाते हैं, जिन्हें यूरोपीय तुर्की तथा एशियाई तुर्की कहते हैं। इस्तांबुल विश्व का एकमात्र शहर है जो दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। इसका 3% भाग यूरोप में और 97% भाग एशिया में आता है। तुर्की के पूर्व में रूस और ईरान, दक्षिण की ओर इराक, सीरिया तथा भूमध्य सागर, पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया और उत्तर में काला सागर इसकी राजनीतिक सीमा निर्धारित करते हैं। तुर्की का कुल क्षेत्र पर 2,96,185 वर्ग मील है, जिसमें यूरोपीय टर्की यानी पूर्वी थ्रेस का क्षेत्रफल 9,068 वर्ग मील तथा एशियाई टर्की यानी एनाटोलिया का क्षेत्रफल 2,87,117 वर्ग मील है। इसके अंतर्गत 451 दलदलीय स्थल तथा 3256 खारे पानी की झीलें हैं। तुर्की देश का नाम ʾtyɾcije से आया है, जिसका उपयोग 12वीं शताब्दी में तुर्की के एशियाई इलाके अनातोलिया के लिए इटालियन लोग करते थे। हालांकि तुर्की की लगभग सारी आबादी मुस्लिम है, इसके बावजूद तुर्की को कभी भी आधिकारिक रूप से मुस्लिम देश नहीं घोषित किया गया। तुर्की सन 1927 से आधिकारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र यानी कि सेकुलर नेशन है। तुर्की में अमेरिका और इंग्लैंड के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फेसबुक यूजर्स हैं। हरम शब्द का प्रयोग अरब से आया है, जिसमें सुल्तान अपनी पत्नियों और दासियों को प्राइवेट कमरों में रखता है। इसी तरह तुर्की के तोपकापी महल में ओटोमन सुल्तान के शासन में हरम के 250 कमरों में 1000 औरतें रहती थीं। विश्व में उगाए जाने वाले गुलाबों में से 1/4 तुर्की से आते हैं। तुर्की का सबसे पुराना मानव निर्मित शहर कैटलहोयक है, जिसमें आबादी के प्रमाण 7वीं शताब्दी से मिलते हैं। तुर्की विश्व में सबसे लोकप्रिय पर्यटन केंद्रों में छठे स्थान पर है, जहां 2013 में लगभग 3.5 करोड़ विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आए थे। तुर्की में विश्व का सबसे पुराना खेल ग्रीस रेसलिंग खेला जाता है, जो यहां का राष्ट्र खेल भी है। इसमें पहलवान खुद के शरीर पर ओलिव ऑयल लगाकर एक दूसरे को जमीन पर पटकते हैं। 1362 में पहला ग्रीस रेसलिंग गेम होस्ट हुआ था। इस्तांबुल का सेंट्रल मार्केट दुनिया के सबसे पुराने और बड़े मार्केट में से एक है। यहाँ 64 गलियाँ हैं, 4000 दुकानें हैं और लगभग 25,000 लोग यहाँ काम करते हैं। ये 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य की ओर से बनवाया गया था। तुर्की की मुद्रा को लीरा कहा जाता है। एक लीरा की कीमत लगभग 26 भारतीय रुपये के बराबर होती है। सबसे पहले सिक्के का इस्तेमाल तुर्की में ही किया गया था। तुर्की में ज़्यादातर लोग तुर्की भाषा बोलते हैं। तुर्की में आधुनिक संस्कृति है और तुर्क की लाइफ स्टाइल अंग्रेजों की ही तरह है। तुर्की की साक्षरता दर वर्तमान में 95% है। किसी भी देश के मुकाबले तुर्की में सबसे ज्यादा पत्रकारों को बंदी बनाया जाता है। अधिकतर तुर्क प्रतिदिन 10 या उससे ज्यादा चाय के कप पी जाते हैं, जो प्रति व्यक्ति चाय पीने की दर में सबसे ज्यादा है। देश की 96% आबादी चाय पीती है। तुर्की चाय उत्पादन में विश्व के 5 बड़े उत्पादकों में आता है। तुर्की में चाय को भारत की ही तरह चाय कहते हैं। सांता क्लॉज, जिसे संत निकोलस के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म तुर्की के पटारा शहर में 3री सदी में हुआ था। तुर्की रीति रिवाजों के अनुसार जीवन का हर महत्वपूर्ण कार्य मिठाई से होना चाहिए। बच्चों के जन्म के समय हलवा और अंतिम संस्कार में भी हलवा बनाया जाता है। तुर्की में पहला मानव निर्मित गिरजाघर 1098 ईस्वी से 1268 ईस्वी के बीच सेंट पीटर ने बनवाया था, जिसका नाम द केव चर्च है। तुर्की में 1994 में खुदाई के दौरान
गोवेकिल टेपे पर एक पत्थर मिला जो विश्व के पहले मंदिर होने का प्रमाण बताते हैं और इसे इतिहास की एक महत्वपूर्ण खोज बताया जाता है। इन 45 पत्थरों को 13,000 वर्ष पुराना बताया गया है जो पत्थरों से बने मंदिर का प्रतीक बताते हैं। चेरी का पेड़ सबसे पहले रोम में प्रयोग हुआ था, उसके बाद 69 ईस्वी में तुर्की से यूरोप आया था। तुर्की में पाए जाने वाले पौधे की 9,000 प्रजातियों में से एक तिहाई स्थानिक है, मतलब कि वे केवल तुर्की में ही उगते हैं। इसके अलावा तुर्की 5 अनोखी स्तनधारियों, 13 रेप्टाइल प्रजातियों और 52 मीठे पानी की मछलियों का घर है जो संसार में और कहीं नहीं पाए जाते। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।